लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता चलनी में पानी रुक नहीं सकता, अरे कौन कहता चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल, आई लव स्टूडेंट सुमित कुमार। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को किस तरीके से याद करें कि एग्जाम में समय के साथ उन पर पूछे गए क्वेश्चन को आंसर आसानी से दे सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। हम याद कैसे करें, हम सभी जानते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर बाकी बचे हुए होते हैं जिन्हें हम याद करना होता है, लेकिन हम उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर अभी तक अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने एग्जाम की तैयारी को आसानी से कर सकेंगे। और हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप यह नहीं सोचेंगे कि आप याद कैसे करें, आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि हमें याद कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा याद करें कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से करें। जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक चीज़ ही आती है, और वह है उन विषयों को पढ़ना जिनमें हमें आसानी होती है, जो कि हमें आसान लगते हैं और हमें उन्हें पढ़ने में अच्छा भी लगता है। इसलिए हम हमेशा उन विषय को पढ़ने के लिए ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बाकी के विषय जो होते हैं वो रह जाते हैं और हम उन विषयों की तैयारी नहीं कर पाते। अब क्योंकि सभी लोगों की पढ़ने की क्षमता और याद करने की क्षमता अलग अलग होती है, जिसकी वजह से सभी लोगों के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें बदलने पर आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें कुछ ऐसी चीज़ों को करने की ज़रूरत है जिससे हमारी तैयारी पूरी हो जाए और हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। टिप्स नंबर वन, देखिए, उत्सुकता को बढ़ाएं, अपनी उत्सुकता को बढ़ाएं। उत्सुकता को बढ़ाने का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे हमारा मन पढ़ाई में लगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा तब आप यह नहीं समझ सकते कि आपको कब किस विषय को पढ़ना है। जिसके लिए सबसे पहले आप अपने पसंद के विषय को रखें, क्योंकि जब आप अपने पसंद के विषय को पहले पढ़ेंगे तो आपको आगे पढ़ने की इच्छा होगी और इसका मन पढ़ने में लगेगा। आपका मन पढ़ने में लगेगा जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा या जिसमें आपका मन लगता है। दूसरा विषय आप ऐसा रखें जिसमें आपका मन बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसे थोड़ा सीरियस लेंगे और धीरे धीरे वह विषय भी आपको पसंद आने लगेगा। टेंशन मत बनाएं। टिप्स नंबर दो, टेंशन मत बनाएं। जब हमारा एग्जाम पास आने लगता है तो हमारे मन में टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए हम आपको एक चीज़ बता दें, सिर्फ एग्ज़ाम ही तो है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसे ठीक तरह से एग्ज़ाम में लिख दें और आप ज़रूर पास हो जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम के दिन तक टेंशन ना लें और अपने शेड्यूल को अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। ठीक है, टिप्स नंबर तीन, इसमें क्या है, शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। बहुत सारे लोगों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें शांत जगह की थोड़ी कमी होती है, लेकिन इस कमी को आप अपने घर की छत, दोस्त के घर, पार्क या लाइब्रेरी से पूरा कर सकते हैं, जिससे आप शांत मन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। टिप्स नंबर फोर, रात को सोने से पहले पढ़ना याद कैसे करें। रात को सोने से पहले पढ़ना, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर हम विज्ञान की बात माने तो हमारे सो जाने के बाद हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने सपने आते हैं। अब इसी नियम को अगर हम उन विषयों को समझने में इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए सबसे कठिन है, कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको वह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के
एक चैप्टर को रात में सोने से पहले पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। वह आपको आधा भी अगर उस वक्त समझ आ गया तो जब आप सुबह उसी चैप्टर को पढ़ेंगे आप खुद यह सोचेंगे कि यह तो आसान है और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। विषय को अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर समझें। कोई बार इसमें क्या है, विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर समझे। इस टिप्स में आपको बताऊंगा कि जैसे कई बार हम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई हमें समझ ही नहीं आती, तो ऐसे विषयों को आप अपनी लाइफ या किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़कर देखें जो आपको पसंद हो। इससे वह चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी और वह टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। रीड फॉर्मूला, इसमें क्या है, साइंस और मैथ सबसे टफ विषय होते हैं ऐसा हमें लगता है क्योंकि ये हमें कम समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले इनके फार्मूला का याद करना है और ये समझना है कि यह फार्मूला काम कैसे करता है। उसके बाद टिप्स नंबर 7, रेगुलरिटी, किसी भी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, इन दोनों में फ़र्क होता है क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार करेंगे तो वह आपको उतनी अच्छी तरह से कभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसी काम लगातार करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और आपको वह काम अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार से स्टडी भी है, अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो यह आपको अच्छी लगने लगेगी और अगर आप सिर्फ ज़रूरत पढ़ने पर या कभी कभी करेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद पढ़े हुए को दोहराना, जिस प्रकार रेगुलरिटी से हमें चीज़ें पसंद आने लगती हैं उसी प्रकार जब आप किसी चैप्टर को दोहराएंगे तो वह चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और साथ ही भाई आपको याद भी हो जाएगा, जिससे आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने पर आप डिटेल्स के साथ उसका जवाब दें सकेंगे और एग्जाम में ज़्यादा अच्छे नंबर आज ज़्यादा अच्छे भी नंबर आएंगे और आप उसे अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे, समझ कर आओगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जोर जोर से बोलकर पढ़ना, जब आपको कोई चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद ना हो तो आप उसी चीज़ को थोड़ा जोर जोर कर बोले कर पढ़ें। ऐसा करने से वह चीज़ आपको थोड़ा समझ आने लगेगी। इसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज़ को जोर से बोलते हैं तो वह हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आने लगती है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं याद होता है तो आप लिखकर याद करें। जब आप किसी चैप्टर को याद करते हैं लेकिन फिर भी वह आपको याद ना हो तो आप उसे एक सादे पेज में उसे लिख लें, उसके बाद याद करेंगे और याद करके फिर से लिखें तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको वो याद हो जाएगा। और इसके बाद चैप्टर की जो लेंथ है कम हो जाएगी और आपको कम पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में जब आप उसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको भाई अच्छी तरह से समझ आ गया, ठीक है। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।